ताजमहल सातवां अजूबा का एक जो हमारे देश में आगरा में सिचुएटेड है। चलिए आप सबको इस ताजमहल का सैर कराते हैं। एंट्री फीस पर पर्सन 50 रुपीज है, फॉरेनर्स के लिए 11 रुपीज। ताजमहल का नॉर्थ ईस्ट गेट से सुबह 6:30 बजे हम लोगों ने एंट्री लिया था। 42 एकड़ में बनाया हुआ ये आलीशान मकबरा वाकई देखने में एक अजूबा ही लगता है। हर एक गेट में आप अगर ध्यान देते हो जो कैलियोग्राफिक लिखा हुआ है, यही कैलियोग्राफिक ताजमहल के अंदर मेन मकबरा में भी है। अमानत खान ईरान के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तुलुथ लिपि कहते हैं जो अमानत खान ने उस टाइम बनाया था। कुतुब मीनार को पहले सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट का खिताब मिलता था, बट रिसेंटली देखा गया है कुतुब मीनार 72.5 मीटर है एंड ताजमहल 73 मीटर। ताजमहल का ये जो चार मीनार आप देख पाते हो, ये चारों के चारों मीनार थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ है ताकि कोई आपदा या अर्थक्वेक में ताजमहल का मेन मकबरा को कुछ दिक्कत ना हो। एंट्री करने के लिए ताजमहल में सबसे बेस्ट गेट है वेस्टर्न गेट, जो ग्रीन शाहजहां गार्डन और आगरा कैंटनमेंट के बीच में पड़ता है। इस वेस्टर्न गेट को दरवाजा ई रौजा भी कहा जाता है। इसके सिवा हमें मिल जाता है साउथ गेट और ईस्ट गेट। एक और छुपा हुआ गेट है जो शायद ही किसी को पता होता है, जमुना नदी के किनारे से भी एक एंट्री पॉइंट है ताजमहल में। एंशियंट टाइम में जब शाहजहां को मुमताज की याद आती थी, तब वो ये जमुना के ऊपर से ही ताजमहल में एंट्री करना पसंद करते थे। और जमुना नदी के किनारे से ताजमहल का खूबसूरती और निखर के आते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो कारीगरों ने ताजमहल बनाया था, बनाने के बाद राजा शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए थे।
मेन मकबरा के अंदर कैमरा अलाउ तो नहीं था, पर हमने थोड़ा मैनेज कर लिए थे। इसके अंदर जाते ही आपका मुमताज का मेन मकबरा के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मुझे इसका रीज़न पता नहीं, हालांकि कहा जाता है कि उस एरिया में बहुत कंट्रोवर्सीज है, इसीलिए नीचे वाले पोर्शन जहाँ पे ताजमहल का बेसमेंट है उसे कभी खोला नहीं जाता है। वहाँ पे 2200 ऐसे कमरे हैं जिस कमरे को हम लोग कभी देख ही नहीं पाए अभी तक। ये जो ताजमहल का मेन मकबरा, मुमताज का मेन मकबरा आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे कहा जाता है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जहाँ पे किसी के नाम से भी आप पुकारोगे तो वो नाम इको हो जाएगा। उस जमाने में बहुत ही साइंटिफिकली इसे डिजाइन किया गया था। हर एक नक्काशी के अंदर छुपे हुए पत्थर, जो आज के डेट पे है तो नहीं, खुरेद के अंग्रेज उसे अपने देश ले गए, पर वो जो नायाब कारीगरी है वो देख के ये भी पता चलता है कि हमारे देश, हमारी कारीगर उस जमाने में भी कितना बढ़िया काम किए थे। ताजमहल की खूबसूरती को बयां करने के लिए वर्ड्स हमेशा कम पड़ते हैं। इस हर एक हिस्सा, एक एक किस्सा सुना जाता है। कहानियों में ये भी कहा जाता है कि ताजमहल पहले हिंदू देवताओं का एक पवित्र मंदिर था जिसे तेजू महालिया के नाम से जाना जाता। हालांकि इस बात की कोई पुष्टिकरण हम लोगों ने नहीं किया है।